दुकान खाली कराने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने हालात को काबू किया। जुन्नारदेव नगर के गांधी चौक पर दुकान के कब्जे को पाने के लिए दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दुकान के अवैध कब्जे के मामले को लेकर एसडीएम न्यायालय में केस विचाराधीन है। मकान मालिक लक्ष्मी नारायण शर्मा ने केस जीत लिया है। दुकान खाली कराने को लेकर दोनों गुट आमने सामने आ गए। मामला मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुकान को खाली करवाकर डिसमेंटल करा दिया गया है। घटनास्थल पर थाना प्रभारी मुकेश द्विवेदी, सब इंस्पेक्टर एकता सोनी, तहसीलदार रेखा देशमुख और पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थितियां पर काबू पाया। ये ज्ञात है कि एसडीएम साहब के द्वारा यहाँ जो दुकानें हैं किराए से दिया था किशोर शर्मा जी ने, तो उसको रिक्त कराने का आदेश दिया। उसी के पालन में नगर पालिका, पुलिस बल और राजस्व को आदेश हुआ था कि दुकान को रिक्त करा के जो मकान है, दुकान मालिक है, उसको कब्जा लिया है। उसी कार्रवाई के लिए आज पुलिस बल, राजस्व विभाग और नगर पालिका उपस्थित हुए हैं और ये कार्रवाई चल रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।